नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो लगातार लोगों के ऊपर देशभक्ति थोपने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। जहां कभी फरमान निकाला जाता है कि आपको मदरसों के अंदर वंदे मातरम गाना पड़ेगा, मदरसे की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी और इससे पता लग पाएगा कि आखिरकार कौन कितना बड़ा देशभक्त है। ये लगातार बीजेपी शासित राज्यों में ये घटना घटित होते हुए आप देख सकते हैं, पर अब महाराष्ट्र में जब नई नवेली भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन से सरकार एकनाथ शिंदे ने बनाई है, तो अब एकनाथ शिंदे भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए लोगों को तैयार हो चुके हैं। जहां फरमान जारी कर दिया है कि अब हेलो की जगह आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। और ये तस्वीर बताती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों के ऊपर तमाम चीजें थोपने के ऊपर लगी हुई हैं, जहां उनसे देशभक्ति का सबूत मांगा जाएगा, पर उन लोगों से कभी देशभक्ति का सबूत नहीं मांगा जाता जिन्होंने आजादी के 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया। पर यहां अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर थोपने की कोशिश की जाएगी और जो विरोध करेगा तो देश की जनता के सामने आ जाएगा कि कैसे वो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे के इस फरमान को लेकर के अबू आसिम आजमी और शफीकुर रहमान बर्क पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। क्या कुछ उन लोगों ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लेते हैं। में सरकारी कर्मियों के फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का आदेश का सपा नेता अबू आसिम आजमी ने विरोध किया है, सरकार के इस आदेश को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा आदेश निकाला है ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार आए। अबू आसिम ने कहा कि हम देश से प्रेम करते हैं लेकिन केवल अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं, हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गांधी जयंती से सभी सरकारी कर्मचारियों को फोन में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का आदेश है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि मैं सीएम से पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा बाला साहब की तरह जय महाराष्ट्र बोला करते थे, तो फिर बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आकर इसे छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? जय महाराष्ट्र बोलना देशद्रोह है क्या? उन्होंने आगे कहा कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे कहीं भी देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वह खुदा के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा और इसमें देशद्रोह नहीं है। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक मामले के मंत्री सुधीर ने कहा कि 14 अगस्त को आदेश जारी किया गया था, इसमें राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को कार्यालय में फोन कॉल उठाने पर हेलो की बजाय वंदे मातरम कहना अनिवार्य कर दिया गया था। मुन्तीवाद का कहना है कि हेलो जैसे शब्द विदेशी हैं, ऐसे में इन शब्दों का त्याग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि हर भारतीय की भावना है। यूपी के संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो वंदे मातरम को इस्लाम के लिए बड़ी बुराई बताते हैं। वे कहते हैं कि इस नारे में धरती माता की स्तुति की गई है और एक सच्चा मुसलमान अपने अल्लाह के अलावा और किसी के आगे सिर नहीं झुका सकता। सांसद और दूसरे स्थान पर होने वाले सार्वजनिक कार्यों में जब राष्ट्रगीत का गायन होता है तो सांसद शफीकुर रहमान बर्क समेत तमाम इस्लामिक नेता ढिठाई के साथ बैठे दिखाई देते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इन के बारे में बोलती हुई दिखाई नहीं देती। ये गोदी मीडिया लगातार इसी तरीके से विवाद को जन्म देता है और ऐसा ही हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के साथ थी तो वंदे मातरम बोलने पर जोर दिया गया था।
जिसमें बिहार के AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बिहार बीजेपी के नेता अख्तरुल ईमान पर हमलावर हो गए थे, उन्हें देश छोड़ने तक की सलाह तक दे डाली थी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी आखिरी दिन राष्ट्रगीत को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। सदन के अंदर तब विवाद खड़ा हो गया जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता विधायक राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने सदन में वंदे मातरम गाने को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सदन की शुरुआत राष्ट्रगान और समापन राष्ट्रगीत से होना अच्छी परंपरा है, इससे गर्व महसूस होता है। गौरतलब है कि अख्तरुल ईमान AIMIM के पहले विधायक नहीं है जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार किया है। अख्तरुल ईमान अपनी पार्टी का एजेंडा ही आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले उनकी पार्टी के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। सदन में वंदे मातरम नहीं गाने पर बीजेपी ने AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान पर जमकर हमला बोला। बिहार बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों को सदन में राष्ट्रगीत गाने पर एतराज है वो देश से प्यार नहीं करते, उन्हें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाए जाने की जरूरत है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को देश में रहने की भी जरूरत नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार में चल रही थी तब भी वंदे मातरम को लेकर के थोपने की कोशिश की गई और उसके बाद सदन में बवाल तक की नौबत आई। और ठीक पैटर्न जो है बिहार के तर्ज पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के चल रही है तब भी इसी तरीके का फरमान एकनाथ शिंदे द्वारा जारी कराया जा रहा है, जिस पर अबू असीम आजमी ने साफ तौर पर कहा कि वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इसके लिए चाहे अगर आप ये कहें कि देशद्रोह है तो ये देशद्रोह नहीं है। और एकनाथ शिंदे पर भी सवाल खड़े किए कि आप अपने आप को कट्टर शिव सैनिक मानते हैं और बाला साहब भी जय महाराष्ट्र कहा करते थे, आप जय महाराष्ट्र बुलवाइए, इसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्या अब आप भारतीय जनता पार्टी में लीन हो करके राष्ट्रवादी बन करके लोगों को देशभक्ति का पाठ सिखाने चल पड़े हैं।